देखो बेटा, बायोट जनरल फॉर्म ऑफ बायोट सैवर्ट लॉ, बायोट सैवर्ट लॉ मैग्नेटिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, क्योंकि जब भी किसी कॉन्फिग्रेशन, किसी भी संरचना के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो आप बायोट सैवर्ट के रूल का ही प्रयोग करोगे। देखो बायोट सैवर्ट लॉ क्या कहता है, जैसे कोई एक मान लीजिए करंट कैरी करने वाला कंडक्टर है जिसमें करंट आई जा रही है, इसका छोटा सा सेगमेंट आपने डीएल लिया। अब मैं थोड़ा सा इसलिए बड़ा ले रहा हूँ ताकि इतना ताकि आप समझ सको। अब इसका छोटा सा सेगमेंट डीएल लिया और इस डीएल से आर डिस्टेंस पर मान लीजिए कोई पॉइंट पी ले लिया हमने, जिस सेगमेंट से इसका एंगल ये थीटा है बेटा, आपको इससे आर डिस्टेंस पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। वायर में करंट आई है और जिस फील्ड की जिस सेगमेंट से निकालना है, इस सेगमेंट की लेंथ डीएल है। तो बायोट सेवर्ट का रूल क्या कहता है, बायोट सेवर्ट का रूल कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट डीबी इक्वल टू म्यू नॉट, कॉन्स्टेंट है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की पारगम्यता है ये 4π, आई वायर में बहने वाली करंट मतलब सेगमेंट में बहने वाली करंट, ये डीएल सेगमेंट की लेंथ और ये साइन थीटा अपान बीटा आर स्क्वायर। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, इस छोटे से सेगमेंट के कारण है। भाई आप इस वायर के सेगमेंट के कारण फील्ड निकाल रहे हैं, पूरे वायर या कॉन्फिगरेशन के कारण तो निकाल ले रहे हैं, तो ये ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट की वजह से आप ऐसा निकाल रहे हैं। हिंदी में होगा एक अल्पांश के कारण, एक छोटे अल्पांश के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अगर किसी तरीके की संरचना बना दें, सर्कुलर क्वाइल बना दें, या हम कह दें कि पूरा तार ले लें, या ट्रेंगुलर बना दें कोई स्ट्रक्चर, अब तब हम तुमसे कहें कि बेटा बताओ फील्ड कितना होगा। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे स्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मान लो मैं आपसे कहूं इतने वायर की वजह, पूरे वायर की वजह से फील्ड निकालो, या पूरी सर्कुलर क्वाइल के कारण फील्ड निकालो, तो आपको पूरा पूरे कंप्लीट सेगमेंट के कारण निकालना होगा। अगर कंप्लीट कॉन्फिगरेशन के कारण, अगर कंप्लीट कॉन्फिगरेशन के कारण आपको फील्ड निकालना होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, क्योंकि मैथ फिजिक्स में कुल क्वांटिटी निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अगर ड्यू टू कंप्लीट कॉन्फिगरेशन की वजह से निकालना पड़े तो आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब बी जो टोटल होगा वो डीवी का इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन करते समय तीन प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस होंगी। क्या है वो तीन प्रॉब्लम, देखो बेटा यहां तीन चीजें वेरिएबिलिटी रखती हैं और आप इंटीग्रेशन जब करते हैं तो सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। देखो इस जगह पर तीन वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल बेटा लेंथ है, क्योंकि जैसे जैसे तुम लेंथ को बढ़ाओगे इसमें वेरिएशन होगा। तो एक तो वेरिएबल ये, दूसरा साइन थीटा, अभी आपने यहां निकाला एंगल यहां होगा, यहां निकालोगे एंगल कुछ और आएगा, तो एक दूसरा वेरिएबल। और तीसरा वेरिएबल कि अभी आपने आर डिस्टेंस पे निकाला है, अगर मैं आपसे कहूं यहां निकालो या यहां, इसकी वजह से तो यहां से इसकी डिस्टेंस आ रहे, यहां से तो आर नहीं होगी, यहां से कुछ और होगी, तो एक नया वेरिएबल। इसलिए इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तीन तीन वेरिएबल रख रहा है। अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इन तीन वेरिएबल में कम से कम दो कॉन्स्टेंट हो जाए, अगर दो कांस्टेंट हो जाएंगे तो आप इसका फील्ड निकाल पाओगे। तो आप लोग अपने 12th के कोर्स में जान लो कि कम से कम एटलीस्ट टू वेरिएबल मस्ट बी कांस्टेंट। आपको दो वेरिएबल तो किसी हालत में कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, या तो ये और ये कांस्टेंट हो जाए आर पर वेरिएशन हो, या आर और ये कांस्टेंट हो जाए इस पर वेरिएशन हो, कोई दो कांस्टेंट हो जाएंगे तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। जैसे जब हम सर्कुलर क्वाइल लेंगे तो इसमें आर और थीटा कांस्टेंट हो जाएंगे, जब हम वायर लेंगे तो उसमें डीएल एंगल वेरिएबल होगा और ये कांस्टेंट कर ले जाएंगे। तो अलग अलग
कॉन्फ़िगरेशन में इनमें से तीन में से किसी एक को बेटा वेरिएबल और बाकी दो को कांस्टेंट करना पड़ेगा, अपने दिमाग में डाल देना। तो ध्यान रखना जब भी इसका इंटीग्रेशन होगा कम से कम दो वेरिएबल कांस्टेंट में बदल जाएं। जैसे अगर मान लीजिए इफ थीटा एंड आर आर कांस्टेंट, मान लीजिए थीटा और आर को कांस्टेंट तुमने निकाल लिया तो बेटा वो बाहर निकल आएंगे, म्यू नॉट बाहर निकल आएगा, फोर पाई बाहर निकल आएगा, आई निकल आएगा, साइन थीटा निकल आएगा अपान आर स्क्वायर, तो सिर्फ लेंथ का इंटीग्रेशन बचेगा। मान लो मान लीजिए मान लेते हैं कि आर एंड डी एल आर कॉन्स्टेंट, मान लीजिए ये कॉन्स्टेंट हो जाएंगे तो फिर डी एल को किसी तरीके से समथिंग फंक्शन ऑफ डी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जब आप कन्वर्जन करोगे तो म्यू नॉट अपान फोर पाई आई और लेंथ एग्जैक्ट आर निकल आएगी और यहाँ पर समथिंग फंक्शन ऑफ डी थीटा बचेगा। तो ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या तो लेंथ वेरिएबल बचेगी तो बेटा थीटा और आर निकल आएगा, अगर थीटा वेरिएबल होगा तो एल और आर निकल आएगा। तुम्हारे सिलेबस में दो हैं, इस वाले में मैं आपको आर और थीटा कॉन्स्टेंट होंगे जबकि यहां पर आपका एल आर और डी एल कॉन्स्टेंट होंगे, इसमें थीटा वेरिएबल होगा इस वाले केस में और इसमें एल वेरिएबल होगा, डी एल वेरिएबल होगा। तो देखिए मैं आगे वाले वीडियोस में इसका डेरिवेशन करूंगा और इसका डेरिवेशन करूंगा, तो ये इसका जनरलिटी या जनरल चीज आपको समझ में आ जाएगी कि ये फार्मूला डायरेक्ट कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब लगता है तो इन तीन में से कोई दो कांस्टेंट हो जाते हैं और तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इस वीडियो में इतना ही।